मन्देऽहं ब्रह्मशक्तिं सुचितनुविमलां ब्रह्मविद्यां परमां नानालङ्कारयुक्तां मणिमयवशनां श्यामलां कोमलाङ्गीं कुन्तककटिमणिमेखला सुनूपुरव्यञ्जस्तनिभूषितां मन्मथरतिमतिमर्दिनीं स्वद्वैभुजां सिंहासनस्थायिनीं शत्रूणां भयवर्धिनीं सुविद्यां विज्ञानमोक्षप्रदां साधूनां सुखदायिनीं मम भयदां चाज्ञान विध्वंसिनीं विद्यां विचारसारधिषणां विघ्नौघं जेदिनीं वन्दे तां परब्रह्मसद्मरमणीं श्यामासिराजप्रियां वन्दे तां परब्रह्मसद्मरमणीं श्यामासिराजप्रियां। राम जी परम आदरणीय आत्म संबंधी सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, आज ये सोचने वाली बात है कि हम भजन क्यों करें, ध्यान साधना क्यों करें, इसकी क्या आवश्यकता है। अगर हम ध्यान साधना करते हैं, भजन करते हैं, तभी भोजन की आवश्यकता पड़ती है, और बिना कार्य के भोजन मिलता नहीं है। और यदि न करें तो भी भोजन की आवश्यकता है, और बिना कार्य के तब भी भोजन मिलने वाला नहीं है। तो हमें जब भोजन करना ही है तो भजन की क्या जरूरत है। तो वास्तव में भोजन हमारा लक्ष्य नहीं है, पैसे कमाना हमारा लक्ष्य नहीं है। वास्तव हमारा लक्ष्य है क्या? हमारा लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है। भोजन प्राप्त हमारा लक्ष्य नहीं, पैसे प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य वास्तव है क्या? सुख। हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, किंतु इस मायावी जगत में सुख नाम का कोई चीज नहीं है। और सुख के लिए नाना उपाय करने पर भी विचार करके देखें तो वास्तव में सुख मिलता नहीं है। जैसा कि अभी कुछ समय पहले भारत सरकार ने नोट बंद कर दिया। नोट हम किस लिए रखे थे अपने घरों में? किससे सुख मिलेगा? हम नौकरी क्यों करना चाहते हैं? सुख मिलेगा। हम चोरी क्यों करना चाहते हैं? सुख मिलेगा। यानी जो कुछ भी हम करते हैं या करना चाहते हैं सुख के लिए। भारत सरकार जब नोट बंद कर दी तब जिनके यहाँ ज्यादा नोट था तुरंत उसको छुपाने के नाना उपाय करने लगे, उसको नदियों में फेंक दिए, पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक दिए, किस किस के खाते में डाल दिए। ऐसा क्यों किए? इसलिए किए, उनको लगा कि अब ये नोट हमें सुख नहीं देगा, दुख देगा। सच्चाई यह है, इस मायावी जगत का कोई भी चीज हमें सुखी नहीं कर सकता, सुख नहीं दे सकता। वास्तव में हम हैं कौन? हम सत्य हैं, आत्मा हैं, शाश्वत सत्य हैं। जिस प्रकार से गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिस प्रकार से मनुष्य पुराना वस्त्र छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्माएं पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती हैं। अर्थात यह शरीर है क्या? आत्माओं का वस्त्र है। आत्माएं सत्य हैं और वस्त्र रूपी जो शरीर है यह सत्य नहीं है। जिस प्रकार से हम वस्त्र धारण करते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा वस्त्र पहने, किंतु जैसा पैसा खर्च करते हैं वैसे ही कपड़ा हम खरीद करके पहन पाते हैं, वस्त्र धारण कर पाते हैं। इसी प्रकार से यह चेतन जीव भी हमेशा चाहता है अच्छा से अच्छा सुख प्राप्त करें, सुखी हो जाए, ऐसा वस्त्र धारण कर लेता, शरीर धारण कर लें जो हमेशा सुखी ही रहें। किंतु कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो हमेशा बना रहे और उस शरीर से ये जीव हमेशा सुख प्राप्त करता रहे। ऐसा शरीर है किंतु इस मायावी जगत में नहीं है। कहाँ पर है? उसके लिए कबीर जी ने कहा है, आत्म में पर आत्म झलके, पर आत्म में झाई, झाई में सिर झाई झलके, बुझे कबीरा साई। यानी पर आत्म रूपी शरीर या इस आत्मा का जो वस्त्र है वो मिल जाए तो हमेशा हमेशा के लिए अखंड आनंद प्राप्त कर सकती है। वो परातम रूपी वस्त्र क्या है? कहां पर है? क्या इस संसार में है या संसार से परे है? यदि संसार में है तो कहां है?
संसार से परे है तो कहाँ है? तो जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान अनादि अक्षरातीत हैं, सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, उन्हीं के आनंद स्वरूपा आत्माओं की सूरत इस शरीर में आकर के इस माया के खेल को देख रही है। और जिस शरीर का सूरत आई है, आनंद स्वरूप शरीर का सूरत आई है, वो आनंद स्वरूप शरीर ही इनकी परात्म है। तो जब तक परात्म यह आत्माएं नहीं जान लेंगी और वहां वापस अपने परात्म में नहीं जाती हैं, तब तक इस संसार के दुख को देखती रहेंगी। और संसार दुखमय है, यह है क्या? यहाँ पर तीन प्रकार के आत्माएं हैं, एक तो परात्म जिनकी है और दूसरा उनके साथ में उनके सहयोग में सेवा में आई हुई आत्मा है जिनको ईश्वरीय सृष्टि कहते हैं, और जिनकी परात्म है उनको ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, और तीसरा जो आत्मा है वो इस संसार के हैं। इस संसार से तात्पर्य कैसे, इसको हम इस तरह से समझें कि जिस तरह से हम इस शरीर से स्वप्न देखते हैं, सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में क्या देखते हैं? सपोज कीजिए हम चले गए बंबई, तो बंबई एक शहर दिखाई पड़ रहा है। उस शहर में पशु पक्षी भी हैं, जानवर भी हैं, मनुष्य भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, घर मकान भी है, नदी तालाब भी है, सब कुछ है। और एक हमारी शरीर भी होती है जिसके द्वारा हम देखते हैं सबको, और एक शरीर हमारी बिस्तर पर सोई हुई होती है। तो जो बिस्तर पर सोई हुई शरीर है, उसी शरीर के अंदर एक मन है और एक चेतन जीव है। तो जो जीव होता है, जीव की तरंगे सारी सामग्री पैदा करता है, मन का, मन की तरंगे पूरा बगीचा तैयार कर देता है। कौन सा बगीचा? बंबई रूपी बगीचा, सब कुछ, घर मकान, पशु पक्षी, मनुष्य, जानवर जो भी हैं, सब बन जाते हैं। और जो हमारा शरीर बनता है वो भी मन के तरंगों का ही होता है, किंतु उसमें दो चीजें होती हैं। एक चीज विशेष होता है अन्य शरीरों से, वो क्या विशेष होता है? एक तो मन का तरंग का शरीर हुआ, और उसमें चलने फिरने सुनने समझने की क्षमता, और दूसरा जो इस शरीर का चेतन जीव है उसका तरंग। और अन्य में चेतन जीव का तरंग नहीं होता, केवल मन के तरंग ही चलता फिरता बोलता सुनता समझता है, किंतु इस शरीर में जो हमारा शरीर बना उसमें दो चीजें हो गई, एक तो मन का तरंग और दूसरा चेतन का। अब जब नींद खुलती है, नींद खुल जाती है,
उसका प्रतिबिंब इस संसार में पड़ा हुआ है। तो हम ऊपर देखते नहीं हैं, जिस प्रकार से फल तोड़ने के लिए नदी में तो कूद रहे हैं, किंतु नदी में जिसका प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, जिस पेड़ का, उसको हम ऊपर देख नहीं रहे हैं कि कहाँ से प्रतिबिंब जाने, तब तो देखें, हम तो नदी में ही समझ रहे हैं इसलिए नदी में कूद रहे हैं। अगर हम समझ लें कि नदी में नहीं है, ऊपर है और उसका प्रतिबिंब इसमें है, तो हम नदी में कभी कूदेंगे फल तोड़ने के लिए नहीं। न जानने के कारण ही नदी में कूदना पड़ रहा है और कूदने में फल मिलता नहीं है। इसी प्रकार से न जानने के कारण ही इस मायावी जगत में सारी दुनिया सुख ढूंढ रही है, किंतु सुख मिलता नहीं है। अब वो पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप इस 28वें कलयुग में आ गए हैं। वो बतला रहे हैं कि भाई भजन करने से मिलेगा, पूजन ध्यान चिंतन करने से मिलेगा, नाना उपाय करने पर भी मिलने वाला नहीं है। किंतु किसका भजन पूजन ध्यान चिंतन करने से मिलेगा? परिश्रम करने से ही फल मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि परिश्रम करने से ही फल मिलेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। किंतु परिश्रम कहाँ कर किया जाए? पेड़ पर चढ़ाया जाए, हाथ पेड़ की तरफ लपकाया जाए तो हम फल के नजदीक होंगे, फल मिल सकता है। किंतु उसके प्रतिबिंब की तरफ लपकाया जाएगा, चाहे प्रतिबिंब पर चढ़ना चाहेंगे तो फल मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार से हमारा परिश्रम जो है निरर्थक जाएगा। भोजन तो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा संसार में, किंतु वह उससे हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी कब होंगे? जो सुख का स्वरूप है, जहाँ पर है, उसको जाने और उसे प्राप्त करने की कोशिश करें, उसे प्राप्त करना तब हम सुखी हो सकते हैं, अन्यथा सुखी होना संभव नहीं है। तो वो कैसे मिलेगा? भजन से। किसकी भजन करने से? जिसके पास वह सुख है, जिसके अंडर में है, जिसके अधिकार में है, जिसके द्वारा प्राप्त होगा। तो किसके द्वारा प्राप्त होगा? ऋषियों ने रिसर्च किया, रिसर्च माने खोज, साधना किया, ध्यान किया, चिंतन किया, विचार विमर्श किया, त्याग किया, तपस्या किया, ऋषियों ने पाया कि आने वाला 28वां कलयुग में वो पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप, जिसकी हुक्म से, जिसकी कृपा से, जिसको जान लेने से अखंड सुख, अखंड आनंद की प्राप्ति होनी है, होगी, वो आएंगे और वही बतलाएंगे, तो जाना जा सकता है, अन्यथा जाना जा सकता नहीं। वो इस 28वें कलयुग में प्राणनाथ रूप में, प्राणनाथ बन करके हम सबके बीच में आए हुए हैं। उन्हीं प्राणनाथ की ये वाणी है और इस वाणी के सानिध्य में जो आएगा, जिसको, जिस वाणी को कहते हैं स्वरूप साहेब, साहेब का स्वरूप, अर्थात साहेब कौन है, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी लीला क्या है और किस तरह से हम उसको प्राप्त करेंगे, उस दिव्य आनंद को कैसे पाएंगे, परम आनंद को कैसे पाएंगे, उस दिव्य प्यार प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकेंगे, ये सब के सब प्राणनाथ की वाणी से ही हमें मिल सकती है। तो इसीलिए भजन करना, ध्यान करना, चिंतन करना आवश्यक है, किंतु किसका? एक प्राणनाथ का। सभी ने समझा और पाया और बताया, क्या बताया, कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जाने बिना, सच्चिदानंद घन स्वरूप को जाने बिना किसी भी जीव का कल्याण संभव नहीं है। इसीलिए परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को स्वरूप की पहचान करने के लिए नाना रूपों में लोगों ने कल्पना कर लिया, मान लिया। किसी ने मान लिया गोबर को ही परमात्मा मान लिया, किसी ने पत्थर को मान लिया, किसी ने आग को मान लिया। इन सब के अंदर जो गुण है वो गुण परमात्मा में है। जैसे आग तेज होता है, किसी भी वस्तु को उसमें डाला जाए जल जाएगा, इसी प्रकार से परमात्मा के प्रति अगर अपने आप को समर्पित कर दिया जाए तो हमारा पाप और पुण्य दोनों प्रकार के जो बंधन है ये भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, और इन दोनों से हम अलग होकर के उसके स्वरूप को जान करके उसके परम आनंद को हम प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से उसके अंदर तेज है, उसके अंदर क्षमता है, तो उसके अंदर ये सारे लक्षण हैं, ये पाए जाते हैं सारे लक्षण, इसलिए उसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, पूर्णात पूर्ण है, सच्चिदानंद घन स्वरूप है। तो उस लक्षण को, उस लक्षण के द्वारा उसको न जान करके इन्हीं वस्तुओं को परमात्मा मान लिया, फिर बात तो वही हो गई,
कहते भी हैं, कहने के लिए क्या कहते हैं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मान लो तो देवता नहीं तो पत्थर है। वास्तव में शास्त्र यह नहीं कहते, यह शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। शास्त्र कहते हैं यथार्थ को जानो, वास्तविकता को जानो, सत्य को जानो, अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानो, वैसा ही मानो, इसे यथार्थ ज्ञान कहते हैं। जिस तरह से गोबर है तो गोबर को भगवान मत मानो, उसकी पूजा मत करो। उसकी पूजा क्या है, सुखा करके उपला बना लो, उस पर रोटी पका लो, ईंधन का काम करेगा, और ऐसे जो है जमीन को लीप दो तो कीटाणु नहीं आएंगे, क्योंकि गाय भैंस ये सब तमाम प्रकार की औषधियाँ खाती हैं, उसका गोबर बनता है, और वो तमाम तरह से औषधि गुण उसके अंदर होने के कारण औषधि का काम करेगा। किंतु उसको भगवान मान करके उसकी पूजा करोगे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर मानने से भगवान हो जाए तो मैं कहता हूँ उसको अगर मिठाई मान लिया जाए तो क्या नुकसान है, तो क्या मिठाई मानकर कोई खा सकता है, संभव ही नहीं। तो शास्त्र यही कहते हैं कि जो वस्तु जैसी है उसको ऐसा ही जानो, वैसा ही मानो, वैसा ही उपयोग करो, निश्चय ही लाभ मिलेगा। और परमानंद चाहिए, अखंड आनंद चाहिए, तो भजन करना पड़ेगा, पूजन ध्यान चिंतन करना पड़ेगा, और किसका करना पड़ेगा, जिसके पास ये समर्थता है अखंड आनंद देने का, उसका। क्या उसकी हम भजन पूजन नहीं करेंगे तो हमें अखंड आनंद परमानंद नहीं देगा? नहीं। क्यों नहीं देगा? इसका मतलब वो भी चाहता है कि हमारी कोई पूजा करे, ऐसी बात नहीं है। उसकी कोई पूजा करे तो भी और ना करे तो भी, वायु किसने दिया है, परमात्मा के हुक्म से वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, आकाश, सब कुछ परमात्मा तो हमें फ्री में दे रहा है, हमसे उसके बदले में कुछ भी लेता नहीं है। यहाँ तक कि पृथ्वी के अंदर जो अन्न उगाने की क्षमता है, ये पृथ्वी के अंदर नहीं है, ये परमात्मा का ही देन है। यानी कोई भी वस्तु है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का ही देन है, परमात्मा हम सबको दिया हुआ है। तो फिर अखंड आनंद क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए नहीं दे रहा है कि हम उसके पात्र नहीं है। जब हम पात्र हो जाएंगे तो हम पा लेंगे। वो पात्र कैसे होंगे? उसका ध्यान चिंतन करने से, उसका भजन करने से, उसके स्वरूप को जान करके उसका ध्यान चिंतन करने से हमारे अंदर पात्रता आ जाएगी। देना तो चाहता है, दे रहा है, किंतु हम पात्र नहीं हैं, और बिना पात्र के हम उसको प्राप्त कर सकते नहीं। तो उसका भजन पूजन ध्यान चिंतन करने के बाद ही हम पात्र बन सकते हैं उस परमानंद को प्राप्त करने का, अन्यथा प्राप्त करने का पात्र नहीं बन सकते, वो तो दे रहा है। तो इसलिए भजन पूजन की आवश्यकता है, वो केवल भजन पूजन ध्यान चिंतन से ही मिल सकता है, और भौतिक सुखों के पीछे दौड़ने से, अर्थात मृग तृष्णा जिसे कहते हैं, जो जल है ही नहीं, जल का भ्रम है, उसके पीछे दौड़ने से कभी प्यास बुझने वाली नहीं है। अर्थात इस मायावी जगत में, ब्रह्ममय जगत में, संसार में हम सुख को ढूंढते रहेंगे, ढूंढते ढूंढते मर जाएंगे, कभी हम सुखी हो सकते नहीं। उस परम सत्य को जानना पड़ेगा। तो वो सुख का स्वरूप जो है वो कहाँ है? बेहद में। बेहद किसे कहते हैं? जो प्रलय हो जाता है, जहाँ तक अस्तित्वहीन हो जाता है, उसको हद कहते हैं। वो कहाँ तक है? अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रासातल, पाताल, ये सात लोक हो गया। आठवां मृत्यु लोक, नौवां पितृलोक, दसवां स्वर्ग लोक, ग्यारहवां महरलोक, बारहवां जनलोक, तेरहवां तपलोक, और चौदहवां सतलोक जिसे कहते हैं। ये सब के सब मृत्यु के आगोश में आ जाते हैं, प्रलय के आगोश में आ जाते हैं। और इसके बाद भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, सात शून्य है, निराकार निरंजन है, निर्गुण है, ये सब के सब हद में आते हैं। इसी लिए कवि जी इसी को कहे हैं कि हद हद चले सो मानवा, सामान्य बुद्धि वाला मनुष्य है, बेहद चले सो साध, इससे परे का जो ज्ञान रखता है वो साधना किया हुआ व्यक्ति है, साधक है, चिंतक है। और हद बेहद दो तजे ताको मतो अगाध, यानी हद को भी जो छोड़ दिया और बेहद से भी आगे जो बढ़ गया, उसकी बुद्धि का, उसके ज्ञान का तो कहना ही क्या है, वो तो अगाध असीम ज्ञान रखने वाला है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान ही है। उसी को वास्तव में संत कहना चाहिए, साध कहना चाहिए। कबीर जी ने संतों ने कहा है
वास्तव में संत किसे कहते हैं, दाढ़ी बढ़ा लिया, बाल बढ़ा लिया, भगवा कपड़ा पहन लिया या नाना प्रकार का वेश बना लिया, क्या ये संत हैं? वास्तव में इसे संत नहीं कहा गया है। आंख बंद करके बैठ गया या कुछ भी किया, क्या इसे संत कहते हैं? नहीं। जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्त न हुई, कैसे संत कहावे को? यानी ब्रह्म ज्ञानी को ही संत कहा गया है और किसी को संत नहीं कहा गया है। कबीर जी ने कहा है कि ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्त न हुई और कैसे संत कहावे कोई। संत तो वही है जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ज्ञानी है, जिसका मता अगाध है, अर्थात हद और बेहद दोनों से परे का ज्ञान रखता है, वो ब्रह्म ज्ञानी है और वही संत कहलाने का अधिकारी है, वही उस दिव्य आनंद परम आनंद का पात्र है। तो उस दिव्य धाम के अंदर, परम धाम के अंदर परम आनंद है और सुख बेहद में है और सुख का प्रतिबिंब इस मायावी जगत में है। इस मायावी जगत में क्या है? सुख का प्रतिबिंब, जिसके लिए सारी दुनिया मरती है और पाती नहीं है। और बेहद में अर्थात जहां तक प्रलय हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा, जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कुठस्थ अक्षर जिसको कहे हैं, द्वाविमो पुरुषो लोके छरस चाक्षर एवच छरा समाणी भूतानी कुटस्थो अक्षर उचिते। कुटस्थ, कुट धातु नाम निहाई, जिस प्रकार से निहाई होता है, एक रस एक जगह पर बना रहता है और उस पर तमाम सारे लोहे का हथियार, जैसे हसिया है, खुरपा है, इसे बना दिया जाता है, वो अपना कार्य करते हैं, घिस जाते हैं, फिर आते हैं, उस पर पीट पाट करके ठीक कर दिया जाता है, वो सब कार्य करते रहते हैं, अस्तित्वहीन हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसे कैसे ही बना रहता है और वहाँ आते हैं, फिर से उनको ठीक कर दिया जाता है। इसी प्रकार से ऐसे ऐसे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते और लय होते रहते हैं, जैसा कि एक ब्रह्मांड के अंदर, एक 14 लोक के अंदर एक ब्रह्मा जी होते हैं, एक विष्णु और एक शंकर जी होते हैं, ऐसा पुराणों का कथन है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, शिव विरंचि विष्णु भगवाना उपज ही जासु अंश ते नाना। जिसके अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शंकर उत्पन्न होते हैं। अंश मात्र से अनेकों, जब अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शंकर उत्पन्न हो गए, तो समझ लीजिए अनेक 14 लोगों का ब्रह्मांड भी है और इनका भी प्रलय होता रहता है। जिस प्रकार से मनुष्य मरता है, इसी प्रकार से पृथ्वी भी एक दिन नहीं रहेगी, ये सूरज भी एक दिन नहीं रहेगा, ये चांद भी एक दिन नहीं रहेगा, ये ग्रह नक्षत्र भी एक दिन नहीं रहेंगे। और आज तो हमारे वैज्ञानिक ये पता कर चुके हैं कि एक ही सूरज नहीं है, बहुत सारे सूरज हैं आकाशगंगा में, निहारिकाओं में, एक ही सूरज नहीं, एक ही पृथ्वियाँ नहीं, बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं और ब्लैक होल में ऐसी ऐसी बहुत सारी पृथ्वियाँ हमेशा जाती रहती हैं। उसी बात को पुराणों में ऋषियों ने पहले से बताया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें वास्तव में अखंड सुख, परम आनंद चाहिए तो हमें भजन करना होगा, ध्यान चिंतन करना होगा, उसी से मिलेगा, अर्थात उसी से हम पात्र बनेंगे। और किसका करेंगे तो मिलेगा? संसार के यानी 14 लोक के अंदर की जो भी शक्तियां हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनका ध्यान चिंतन करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, अखंड आनंद की प्राप्ति होने वाला नहीं है। क्योंकि मनुष्यों का कथन है, चिंतन ध्यान करने की आवश्यकता इसलिए भी है कि मनुष्यों का कथन है कि जिसका चिंतन किया जाता है, उसका गुण स्वभाव ऑटोमेटिक अपने अंदर आने लगता है। तो हम जड़ का चिंतन करेंगे, जड़ का ध्यान करेंगे, जड़ का पूजन करेंगे, तो हमारी बुद्धि जड़ होने लगेगी। सूक्ष्म बातें, ब्रह्म ज्ञान की बातें, परमात्मा की बातें हम समझ पाएंगे नहीं। इसलिए ब्रह्म को हमें जानना है और परमानंद को प्राप्त करना है, जिसके लिए मैं पहले ही बतलाया कि ब्रह्म ज्ञानी यानी संत किसे कहते हैं। कबीर जी ने कहा है, कबीर जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ब्रह्म ज्ञान जाके घट होई,
अपार ब्रह्म को जाने सोई, ब्रह्म जान बिन मुक्त न होई, कैसे संत कहावे कोई। यानी कोई कैसे संत कहा सकता है जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान ही ना, जिसके अंदर जिसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान है वही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, परमानंद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान जानना आवश्यक है। और ब्रह्म ज्ञान कैसे जाना जाएगा? ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म की वाणी से। किस प्रकार से? जिस प्रकार से रात्रि के समय में कहा जाए कि सूरज कैसा होता है, जो व्यक्ति नहीं जानता हो उसको दीपक दिखा दिया जाए कि ऐसा प्रकाश वाला सूरज होता है। किसी ने कहा नहीं भाई ऐसा प्रकाश वाला नहीं, ये लालटेन देखो, ऐसे लालटेन के प्रकाश जैसे प्रकाश वाला सूरज होता है। और बहुत सारे लालटेन के प्रकाश जैसे प्रकाश वाला, किसी ने कहा इसमें क्या है, बल्ब देखो बल्ब। किसी ने सर्च लाइट दिखाया, ये सर्च लाइट है ना, ऐसे सर्च लाइट के प्रकाश जैसे प्रकाश वाला सूरज होता है। लेकिन वास्तव में सूरज का प्रकाश होता कैसा है, कैसे जाना जाएगा? जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक जाना जा सकता नहीं। तो सूर्योदय होने के बाद ही वास्तव में सूरज को जाना जा सकता है, सूरज के किरणों के द्वारा सूरज को जाना जाएगा, अन्यथा सूरज को जाना जा सकता नहीं। किंतु सूर्योदय होने के बाद भी वो नहीं जान सकते, कौन? जिनकी तबीयत खराब है, रजाई ओढ़ करके घर के अंदर पड़े हैं, झड़िया आ रही है, शरीर कांप रहा है, वो नहीं जान सकते कैसा सूरज है। और एक उल्लू होता है पक्षियों में, वो सूर्योदय होते ही पेड़ के खोंग में छुप जाता है। क्यों? कि उसकी आंखें ही काम नहीं करती, आंखें चकमका जाती हैं, वो देख ही नहीं सकता, इतना पावर इतनी क्षमता उसके अंदर नहीं है, इसलिए वो पेड़ के अंदर छुप जाता है, वो भी नहीं जान पाता कि वास्तव में सूरज का स्वरूप कैसा है। और चूहा है, बिल से निकला ही नहीं, जो नींद में पड़ा हुआ सोया है वो भी नहीं जान पाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये जो ज्ञान रूपी सूरज निकल चुका है, पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप अनादि अक्षरातीत अपना दिव्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेकर के आ चुके हैं 28वें कलयुग में, उनकी वाणी ये है जिसको स्वरूप साहेब कहते हैं। साहेब का स्वरूप कैसा है, साहेब स्वयं वर्णन करके बतलाए हुए हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को, उनके धाम को, उनकी लीला को जान करके उस दिव्य आनंद परम आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। किंतु कौन नहीं प्राप्त कर सकता? जो इस वाणी का अध्ययन नहीं करेगा, इस वाणी का चिंतन मनन नहीं करेगा, इस वाणी का श्रवण नहीं करेगा, विचार नहीं करेगा, मंथन नहीं करेगा, वह कभी भी परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकता, पात्र नहीं बन सकता, इसके सानिध्य में आना पड़ेगा। और इसी ने वाणी में स्पष्ट रूप से स्वयं श्री जी ने कह दिया है, उल्लुन चाहे उग्या सूर, जीवंधों का दुश्मन नूर, तस्बी गुदड़ी करवा, छोड़ो जनेऊ हीरस हवा, दो जहान में थी उर्जन, कर्म कांड सर चलन, दो जहान को करो तरक, पकड़ो एक साहेब साचा हक। यानी सच्चा जो पूर्ण परमात्मा है, सच्चिदानंद घन स्वरूप है, उसके स्वरूप को, उसके धाम को, उसकी लीला को जानो, निश्चय ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और यदि वेशभूषाओं के चक्कर में पड़ोगे, नाना नाटक में पड़ोगे, उलझे रहोगे, कर्मकांड में पड़े रहोगे, परमात्मा से दूर हो जाओगे, उस परम सत्य को जान पाओगे नहीं। ब्रह्म ज्ञान अपने हृदय में धारण करने से, उनका ध्यान चिंतन करने से ही उनके आनंद को, दिव्य आनंद को, परम आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वो जो परमात्मा जहाँ रहता है वहां पर आनंद ही आनंद है, आनंद का ही साम्राज्य है, प्रेम का ही साम्राज्य है। और जिसे बेहद से परे कहा गया है, और हद में क्या है, प्रतिबिंब मैंने बतला दिया, सुख का प्रतिबिंब, तो सुख का स्वरूप कहाँ है, बेहद में। सुख का स्वरूप बेहद में है, और आनंद दिव्य धाम परम धाम में है, बेहद से परे, जहां पर परातम बैठी हुई है, पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप अपनी दिव्य आत्माओं के साथ दिव्य आनंद की लीला हमेशा करते रहते हैं। इस मायावी जगत में आप लोग देखें तो विलोम एक शब्द आता है, विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक विपरीत। जैसे दिन का विपरीत क्या है, रात,
अंधेरे का विपरीत क्या है? उजाला। सुख का विपरीत क्या है? दुख। दुख का विपरीत क्या है? सुख। आनंद का विपरीत क्या है? आनंद का विपरीत अगर कहा जाए कि दुख, तो दुख तो सुख का विपरीत हो गया, यानी आनंद का कोई विलोम नहीं है। सुख का वास्तविक परिमार्जित रूप, शुद्ध विशुद्ध स्वरूप जो है वही आनंद है, और वो आनंद इस मायावी जगत में या बेहद में नहीं है। वो कहाँ है? बेहद से परे, जो जहां पर साहेब का स्वरूप है, और हद में साहेब का सत्ता है, और इस मायावी जगत में भी उसकी सत्ता है। बिना सत्ता का कहीं कुछ खाली नहीं है, किंतु स्वरूप इस मायावी जगत में नहीं है, क्योंकि परमात्मा सत्य है, चेतन है और आनंदमय है, और जहां उसका स्वरूप रहेगा वहां कोई भी चीज असत्य नहीं हो सकता, दुखी नहीं हो सकता। और इस मायावी जगत में हम देखें तो कोई भी चीज सत्य नहीं है, और कोई भी चीज ऐसा नहीं कि सुख का स्वरूप हो, सुखमय हो, आनंदमय हो। तो इस प्रकार से उस परमानंद को यदि प्राप्त करना है, अखंड आनंद को प्राप्त करना है, अखंड सुख को प्राप्त करना है, तो उसका पात्र बनना पड़ेगा उसके लिए। और पात्र बनने के लिए साक्षात अपूर्ण परमात्मा अक्षरातीत के स्वरूप धाम लीला को जानना होगा, और उसका ध्यान चिंतन करना होगा, भजन पूजन करना होगा। जब तक उसका ध्यान चिंतन नहीं करेंगे, उसके लायक नहीं बनेंगे, तब तक परमानंद या अखंड सुख हम प्राप्त कर सकते नहीं। इसीलिए जो आत्माएं जागृत हो जाती हैं, अपने प्रीतम की पहचान कर लेती हैं, वो कहती हैं, पिया जी तुम हो तैसी की जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। हे प्रीतम, हे प्राणनाथ, आप पात्र बना करके अपने आनंद का हमें भागी बनावें, अपना दिव्य आनंद है अपने लायक बना लें। इसी के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। राम जी।